मुझे आज क्लास में बहुत ही अच्छा करना है। ओह, मुझे लगता है कि मैं नाश्ता करना भूल गई थी। ऐसा लगता है कि मेरे पास सबसे अच्छे दोस्त को तुरंत कुछ खाने देने के लिए है। केट, तुम सबसे अच्छी हो। आज दादी, तुम्हें क्या लगता है कि दादी अपनी पोती को भूखा छोड़ सकती है? अरे, ये ऊपर कौन है? ये सिर्फ मैं हो सकती हूँ, स्पेशल एजेंट टीना। ये शेफ टीना है। तो लिंडा, क्या तुम्हें यह खाना है? ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें सीधे कलिनरी चैलेंज में जाना होगा। बस यह तैयार हो गया। मेरे लिए बुने हुए मार्शमेलो बनाओ, जैसे कैंपिंग ट्रिप पर होता है। मैं इससे आंख बंद करके संभाल सकती हूँ। स्टिक पर मार्शमेलो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। आह, वह क्या है? क्या यह वास्तव में डिश है? ठीक है लिंडा, मुझे आशा है तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद आएगी, क्योंकि मेरी मार्शमेलो स्ट्रॉबेरी होगी। स्ट्रॉबेरी प्यूरी बनाने के लिए जिलेटिन, चीनी और पानी को एक साथ एक ब्लेंडर में डाल देंगे। अब इसे थोड़ा उबाल लेना है। ऐसे पीसने के बाद इसे हम उबालेंगे। हाँ, और इस बीच दो अंडों के सफेद भाग को जर्दी से अलग करें और उन्हें अच्छी तरह से फेंटें। मैश के हुए आलू जोड़ें और सब कुछ मिलाएं। खाना पकाने में मेरी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन दूसरे क्या कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ। अपनी नाक मत सिकोड़ो टीना, मैं देखूंगी कि केट कैसे खाना बनाती है। अगर मेरे पास हमेशा मार्शमेलो होते हैं तो उन्हें पकाना क्यों? मैं उन्हें एक प्लेट पर डालूंगी और न्यूटेला के बिना तो काम नहीं चलेगा। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होगा? हाँ, यह सही है। देखो दादी, केट यह केवल चीनी और कैंडी है, यह खाना नहीं है। खैर, दादी की अपनी रेसिपी है। चलो अंडे पकाते हैं। अब हम उन्हें अच्छे से छीलेंगे और बस उन्हें चौकोर बना देंगे, जैसे लिंडा की तस्वीर पे है। इसे एक स्टिक पर डाला और अब मीठे दिलों के आकार के स्प्रिंकल्स। वाह, अब यह बिल्कुल समान लग रहा है। मुझे आशा है कि लिंडा इसे पसंद करेगी। इस बस भविष्य के मार्शमेलो को पेस्ट्री बैग में रखना है। अब मैं इसका उपयोग केले के दो हिस्सों को जोड़ने के लिए करूंगी। और मैं बिना क्रीम के क्या कर सकती हूँ? यह कितना स्वादिष्ट है। महक भी अच्छी, स्वाद भी अच्छा। मेरे पास 5 ऐसे केले हैं और प्रत्येक का अपना स्वाद है। थोड़ा चॉकलेट स्प्रिंकल्स और इंद्रधनुष। अरे नहीं, ये मैंने क्या किया? समय समाप्त हुआ, अभी से खाने का समय है। वाह, कितने सुंदर डिशेज हैं। इन केले से कितनी स्वादिष्ट गंध आ रही है, मैं उन्हें पहले ट्राई करूंगी। एक सेकंड रुको, ये नमकीन है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और आगे क्या है? ओह, दादी के मार्शमेलो, वे मेरे ड्राइंग की तरह दिख रहे हैं। चलो खाकर देखती हूँ। छी, ये बहुत अजीब है। क्या ये उबला हुआ अंडा है? माफ करना दादी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओह, इतनी चॉकलेट। केट जानती है मुझे क्या पसंद है। कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ मार्शमेलो से बेहतर क्या हो सकता है? केट, तुम्हारी डिश सबसे अच्छी है। अरे, सबसे अच्छा कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। तो अब मुझे इस तरह एक लॉलीपॉप चाहिए। क्या तुम लोग इसे कर सकते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कैंडी फिर से? कार्मेल, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हाँ, ये रंग बात के लिए है। पहले हम कार्मेल पकाते हैं। हमें चीनी और पानी की जरूरत होगी और उन्हें सॉस पैन में गर्म करना है। ध्यान रखना है कि इसे हिलाते रहना है। ओह वाह, यह स्वादिष्ट निकला, लेकिन थोड़े विटामिन के बिना ये ठीक नहीं रहेगा। मैं एक सेब ले लूंगी और इसे एक स्टिक पर लगा दूंगी, इस तरह से। क्या क्या यह कटा हुआ है? ठीक है, मैं दूसरा ले लेती हूँ। क्या यह भी?
और यह? केट, अब बस करो, मेरे सेब खाना बंद करो। यह वाला सुंदर है, मैं इसे ले लेती हूँ। अब इसे कारमेल में डुबोए और इसे कई बार घुमाए। कितना सुंदर लग रहा है कारमेल में सेब, बोरिंग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। ओ, मेरा कैरमेल भी अब तैयार है। मैं इसे पार्चमेंट पर डालूंगी और इस लिक्विड में अलग अलग रंग जोड़ूंगी। हाँ, इस तरह से कुछ रंग बिरंगे धब्बे। हाँ ठीक है, झांको मत। मैं दस्ताने पहनूंगी और अपने कैरमेल को रंगीन छड़ियों की तरह रोल करूंगी। ये बहुत स्ट्रिंगी है। सभी छह रंगों को एक साथ रखे और उन्हें मोड़े और फिर उन्हें एक लंबे सॉसेज की तरह रोल करें। इस सॉसेज से मैं बिल्कुल तस्वीर की तरह ही लॉलीपॉप बनाऊंगी। वाह, शेफ टीना ने वास्तव में एक असली इंद्रधनुषी लॉलीपॉप बनाया है। और मुझे क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मेरे पास कहीं लॉलीपॉप पड़ा हो, रंग बिरंगे, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं है। और ये चेनसॉ, चूहा, मरा हुआ चूहा, 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 या क्या बकवास है, कुछ भी काम के लायक नहीं है, मैं क्या करूं? ओ, च्युइंगम है ना? अब मैं इसे चबाऊंगी और लॉलीपॉप बनाऊंगी। मेरे पास ये छड़ी भी है और ये बॉल बुरा नहीं है, सब तैयार हो गया। अब बस एक रैपर खोजना बचा है और यहाँ यह है। इसे लपेटे और एक असली लॉलीपॉप की तरह तैयार है। लगता है कि दादी और टीना बहस कर रहे कि किसने इसे बेहतर किया और उनके पास वास्तव में अच्छे डिश हैं। समय समाप्त हो गया है, मैं जल्दी खाना चाहती हूँ। ओह कितना सुंदर है, मैं शेफ टीना के लॉलीपॉप के साथ शुरू करूंगी। ये वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। ओ नहीं, वो गिर गया और चूर चूर हो गया। अगली बार इसे और अधिक अच्छे से बनाना। ठीक है, केट ने क्या बनाया है? चुपा चुप, मुझे ये पसंद है। एक मिनट रुको, ये चबाया हुआ गम है, उस पर अभी भी लार लगा हुआ है। छी, कितना घिनौना है। वाह, यह कारमेल सेब है। चलो यह खा कर देखती हूँ। दादी आपने कितना अच्छा बनाया है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप जीत गई है। मैं, मेरे अलावा और कौन हो सकता है, दादी बेस्ट है। आज मीठा बहुत हो गया, अब मुझे एक बड़ा स्टेक चाहिए। स्टेक? और मैं इसे कैसे पकाऊंगी? यह सही है, एक बढ़ते शरीर को मीट की जरूरत है। स्टेक मेरा सिग्नेचर डिश है। मैं पहले से ही ग्रिल को गर्म कर रही हूँ। तुम जल्दी खुश हो रही हो, तुम दादी के आसपास भी नहीं पहुँच सकती। यह आसान लगता है, उन्होंने वहाँ कहाँ क्लिक किया? चलो ट्राई करें। यह अजीब है, यह पूरी तरह से ठंडा है, लेकिन अगर दो हाथों से ट्राई करें तो कुछ नहीं। यह कैसी गंध है? मेरे हाथ, वे जल गए हैं। केट, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चिंता मत करो, दादी के पास हमेशा प्राथमिक चिकित्सा किट होती है। अब मुझे एक पट्टी मिली है, हमें तुम्हारे हाथों को पट्टी करने की जरूरत है। पहले बाएं तरफ और अधिक लेयर और अब दाहिनी तरफ। अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दादी, लेकिन अब मैं इन हाथों से क्या कर पाऊंगी? मैं मीट भी नहीं उठा पा रही हूँ। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं लगता है कि मेरी पोती इतना बड़ा टुकड़ा चबा पाएगी। ठीक है, मैं इसमें से कीमा बना देती हूँ। यह बहुत अच्छा निकला। ओह, और अब मैं लिंडा को मोल्ड्स के साथ खुश करूंगी। मैं उन्हें ग्रिल में डाल दूंगी और अंदर स्टफिंग। हाँ दादी, क्या यह स्टेक है? पर यहाँ मीट का एक पूरा टुकड़ा चाहिए। मैं इसे ग्रिल में रखूंगी और इसे कसकर बंद कर दूंगी। इस बीच मैं अपने सीक्रेट तरीके से प्लेट को सजाऊंगी। सॉस की कुछ बूंदे और इसे अच्छी तरह से स्पिन करें। इस तरह से, देखो कितना सुंदर है। हाँ, ओह ये कितने अच्छे से हुआ। ओह ओ, 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 स्टेक मेरे हाथों से गिर गया। उफ, अब मैं क्या करूं? जबकि कोई नहीं देख रहा है, मैं इसे फर्श से अपने दांतों से उठा लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रिल पर रखूंगी। मैंने कर लिया, मुझे लगता है कि मेरे कटलेट तैयार है।
ओह गर्म है, मैं उन्हें चिमटे से उठाऊंगी। इससे कितनी स्वादिष्ट महक आ रही है। दादी के कटलेट से बेहतर कुछ नहीं है, और निश्चित रूप से विटामिन के लिए ताजा सब्जियाँ। स्टेक पूरी तरह से पक गए हैं। आखिर इस तरह का खाना मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सजावट के लिए पार्सली और सब कुछ तैयार है। ओ, ओ, क्या ग्रिल से धुआं निकल रहा है? हमें इसे तुरंत खोलने की जरूरत है। केट, तुम इस तरह आग लगा दोगी। इसे मुझे दो। ओह, तुम्हारा स्टेक जल गया है। इसे वहाँ रहना ही बेहतर है। वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे और भी भूख लग गई है। क्या असामान्य पीच है। कोयला नहीं, धन्यवाद केट। वाह, ये दादी के कटलेट है। बचपन की जानी पहचानी गंध। चलो इसे खा कर देखती हूँ। ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? ये एक असली रेस्टोरेंट जैसे स्टेक। मैं एक टुकड़ा काट कर इसे सॉस में डुबोऊंगी और फिर खाऊंगी। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। ये निश्चित रूप से दुनिया में सबसे स्वादिष्ट स्टेक है। हुर्रे, आखिरकार मेरी प्रतिभा की सराहना की गई। आशा है आपको आज की ये चुनौती पसंद आई होगी। फिर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मल्टी डू चैलेंज के साथ बने रहें। यहाँ आगे और भी मजेदार और दिलचस्प चुनौतियाँ हैं।